बेनिफिशियरी का मतलब होता है पहला कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। पहला आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। शुगर लेवल नॉर्मल रेंज का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे होना चाहिए। डॉक्टर साहब कहेंगे 110, आप उनकी बातों पे मत जाओ। फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे होना चाहिए और खाना खाने के बाद जिसको लोग पीपी करते हैं, पोस्टप्रांडियल करते हैं, वो 160 होना चाहिए। इसमें 30 ऐड कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। दूसरा, आपका एलोपैथ दवा बंद होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद होनी चाहिए। इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि आपने एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो अब जीवन भर आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। किसी से नहीं जाके पूछ ले कि एक बार आपने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो जीवन भर लेना पड़ेगा, प्लस जो 2 यूनिट से आपने शुरू किया था 4, 6, 8, 10, 15, 20, 22 ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। पर यहाँ पे मेरी बात को मैं रिपीट करूंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद होगा। तीसरा, आपकी जो शारीरिक तकलीफ है, यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना कंप्लीट खत्म होगा। चौथा, आपके यूरिन से शुगर नहीं निकलेगा। पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का अपने अपने उम्र के हिसाब से पहले जैसा वापस आएगा। फिर से मैं 5 पैरामीटर्स को बता रहा हूँ। शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, आपकी जो एलोपैथ मेडिसिन है या इंसुलिन है वो बंद होना। तीसरा, आपको जो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है खत्म होना। चौथा, आपके यूरिन से शुगर नहीं निकलेगा। पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आएगा। अब आप लोग मुझे बताएं, इसको डायबिटीज कंट्रोल कहेंगे, डायबिटीज फ्री होने का मतलब आप समझ रहे हैं? डायबिटीज फ्री होने का मतलब हमें किस बात की संतुष्टि होती है, हमारे स्वामी जी को किस बात की संतुष्टि होती है, आपके कृपा में आपको किस बात की संतुष्टि होती है? चूरी आप डायबिटीज फ्री हुए, मतलब आपके हार्ट को, किडनी को, लीवर को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी, एनर्जी मिलना शुरू हो गया। तो धीरे 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 जो डैमेज हो रहा था, पहला वो डैमेज होना बंद हुआ। दूसरा, जो यदि 30-40% डैमेज हुआ है तो रिपेयर होता है। कितनी बड़ी बात है, मैं आप लोगों के ध्यान में रखता हूँ कि यदि किसी इंसान का किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम का मतलब होता है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना। क्रिएटिनिन लेवल 6 से ऊपर चला जाता है तो उनका डायलिसिस होता है और 1.5 के नीचे होना चाहिए, 1.5 में। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी इंसान का क्रिएटिनिन लेवल 4 तक है और आपने EMR देना शुरू किया तो 4th, 5th, 6th महीने जाते जाते उसका क्रिएटिनिन लेवल जो 4 से बढ़ गया 5 और 6 होगा, डायलिसिस में जाता, अब उसकी उल्टी गिनती होगी, 4, 4.5, 3, 3, 3.5, 2, 2। कितनी बड़ी बात है, किडनी। आप समझ रहे हैं, आप एक बार ऑपरेशन कराने जाएंगे तो 8 से 10 लाख रुपया होगा, पर यदि आपने शुरू में आपको पता चल गया और आपने ये मान लेना